सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हैदराबाद में टेस्ट, नॉलेज और शौक तीनों का मिक्सचर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आज मेरे साथ सोहेल भाई है, जिनके पास मतलब कहते हैं ना कि दिल के करीब वाली जो गाड़ी होती है वो गाड़ी है, और पीछे आकृति भी शूट करने में लगी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ, ये कौन से ईयर की गाड़ी है? 1994। और सोहेल भाई हमारे साथ है। सोहेल भाई थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास माइक अभी कुछ भी नहीं है, हम जो शूट कर रहे हैं आईफोन से। और मतलब इस गाड़ी को एक लुक में देखने में जो मेरा मन किया वो पता क्या किया भाई, दिल्ली में ऐसा होना चाहिए, है ना। तो भाई ये बिल्कुल जो टेस्टफुली होता है इसको मेंटेन किया गया। अगेन ऐसी गाड़ियों के लिए पैसा तो कुछ होता ही नहीं मैटर, ऑल मैटर्स की भाई गाड़ी जो है वो रनिंग कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पद्मिनी बोलते कैसे, क्या कैसे स्पेल करते हैं बता दो, प्रीमियर पद्मिनी, प्रीमियर पद्मिनी। तो आज आप लोगों को ये गाड़ी दिखाने वाला हूँ 1994, जिस दिन मैं मतलब जिस साल में मैं पैदा हुआ था उससे अगले साल की ये गाड़ी है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट, मैं इस गाड़ी को ड्राइव करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा ये गाड़ी कैसी। हमारे साथ शूट में आकृति, विशाल, आतिश भाई। आतिश भाई को मैं क्या बोलता हूँ दूसरे नाम से? अंतरिक्ष भाई बोल देता हूँ कभी। तो मेरा भाई एक और है, थोड़े मास्क हटा लो भाई, दो मिनट के लिए मास्क हटा लो, बिल्कुल दूर दूर हो जाओ। एक बार नाम बताओ। दर्श। तो दर्श भाई जो है, और जो आतिश, आतिश भाई नाम भूल जाता भाई मेरे को, आतिश उस वो कौन सी मूवी थी वो, तीस मार खान से याद आ जाता है। तो आतिश भाई और जो भाई दोनों मेरे हैं, तो ये मेरे मतलब आप लगा लो कि जब से मैंने हैदराबाद में शूट स्टार्ट किया तब से भाई लोग हैं। तो एक बार थम्सअप करो भाई, बढ़िया ठीक है। मैं किसी से मिलूँ ना मिलूँ भाइयों से जरूर मिलता हूँ, ठीक है। तो सोहेल भाई आज आपके पास आ गए, हमें मौका मिला, मेरे को पता चला आपकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, एक विलीज के बारे में पता चला, एक SLK के बारे में पता चला। और भाई आगे आने वाले टाइम पर कोशिश करेंगे कि भाई के साथ और वीडियोज़ लेके आएंगे, बिल्कुल है ना, पूरा प्लान करके लेके आएंगे, ठीक है। तो आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ ये लाल रंग की मतलब मेरी दिल के बहुत करीब गाड़ी हो चुकी है, ठीक है, दिल के बहुत करीब है। एक चीज़ सबसे पहले ऑडियंस को बताओ कि जब आपके पास ऐसी कोई विंटेज कार हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है 2000 तक ये गाड़ी आती थी, 2000 के टाइम तक, उसके बाद ये गाड़ी आनी बंद हो गई, तो मतलब इसके साथ फीलिंग क्या जुड़ी हुई है जब इसको रोड में लेके निकलते हो, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है और खुद के अंदर क्या प्राउड फीलिंग है? मेरे लिए प्राउड फीलिंग ये है कि इसको ज़्यादातर चलाने में मज़ा आता है, और जो सो मैं जब रोड पे लेके निकलता हूँ तो पब्लिक जो सो रोक के फोटो के लिए पूछती है, ठीक है, और बोलती है कि बहुत शानदार बनाए, बेच रहे हो क्या, काम बनाए, कुछ ऐसे ही सवाल करती रहती है पब्लिक। तो वही से दिल के मेरे करीब है ये, मैं परसों रिसेंटली बेचने के लिए प्लान करा था बट मेरे घर वाले की प्लीज़ अगर इसको बेच रहे होंगे तो भाई मेरे से एक बार बात कर लेना, मेरे को कैसे भी मंगानी पड़े ये, चाहे मेरे घर के वहाँ चले ना चले, रोड लीगल होना हो हम खड़ी रखेंगे, ठीक है। तो भाई ये डन चीज़ है। सबसे पहली चीज़ मैं जो आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप नॉलेज रखते हो, मेरे को इतनी नॉलेज इसके बारे में नहीं है, थोड़ा सा लाइट्स के बारे में बताओ, बम्पर के बारे में बताओ, कैसे इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब कुछ थोड़ा समझा दो, लाइटिंग कैसी होती है इसकी? लाइटिंग इसके लिए बैटरी है, ठीक है, इससे लाइटिंग ऑन होती है, ये 1994 मॉडल है, डीजल इंजन है, ठीक है, ओरिजिनल। और कितने सीसी में आती थी ये गाड़ी? ये जो है सो कुछ 1640 चेंज कुछ सीसी में आती है, ठीक है। तो मैं वही ओरिजिनल इंजन है, एक बार बनाया हूँ 10 साल पहले इसको, मतलब आपने फिर से एक बारी इंजन को फिर से तैयार करवाया था? एक बार बनाया। तो भाई अगर आप मेरा ओवरव्यू लेना चाहोगे भाई, इट लुक्स सो डैशिंग। तो पता नहीं अब इस गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है, टॉप स्पीड कभी भगा के देखा क्या? स्पीड मैं तो रिसेंटली जो सो 90 तक चलती है। और इसमें गियर सीधे ऐसे होते हैं क्या? ऐसे गियर्स होते हैं, और चार गियर की गाड़ी आती है। तो मतलब पहला गियर नीचे लगा, पहला गियर ऊपर खींच के ऊपर, ठीक है, ठीक है, आपके तरफ खींचो फिर ऊपर, ठीक है, फिर इसको मिडिल में लाओ फिर नीचे पुश करो फिर ऊपर, ये सेकंड। ये मेरे को सिखाना अभी जब हम ड्राइव कर रहे होंगे ना प्लीज, मैं क्योंकि भाई मैं मतलब अभी तो सीधे गाड़ी चलाना चाहता हूँ मैं इसको। सो अगर आप लोग बात करोगे उस टाइम के बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आप लोग भाई देख सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंडियन जो बोलते थे ना कि भाई इंडियन लोगों की बहुत बड़ी पहचान थी, और अगर आप लोग पुरानी मूवीज देखोगे तो उसमें आप लोगों को यही गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जितने भी बदमाश लोग होते थे उनके पास होती थी कॉन्टेसा, और जितने भी स्टाइलिश और सब मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना बिल्कुल किक-ऐस बंदे होते थे उनके पास भाई यही गाड़ी होती थी। तो भाई ये तो आप लोगों ने इसके बाहर से जो है एक ओवरव्यू देख लिया, ठीक है, मैं आप लोगों को गाड़ी का एक बार साइड का ओवरव्यू भी दिखा रहा हूँ। तो अभी भाई ने जो है इसके स्टॉक टायर्स रखे हुए, ठीक है, तो टायर्स के बारे में एक बार बात करते हैं, क्या इसमें साइजेस जो है वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं जो ऑप्शन मिलते हैं? साइजेस इसमें 14 इंच के आते हैं, तो जो है सो अपन अपग्रेड कर सकते हैं, बट मैं जो है सो रिसेंटली 6 इयर्स तक तो जो है सो बलून टायर्स पे चला रहा था, बलून टायर्स में चला रहे थे, बैलेंस पे चला रहा था, तो जो है सो फिर एक बार माइलेज का इश्यूज हो रहा था, 13-14 माइलेज दे रही थी, ठीक है, सॉफ्ट टायर्स पे 18 माइलेज देती और स्पीड भी अच्छी है इसकी, 18 भाई 18 की एवरेज, नोट दिस डाउन भाई। और भाई डीजल इंजन मैंने इसकी आवाज़ भी सुनी इंजन की, वेरी साइलेंट। और इधर हैदराबाद में मतलब यहाँ पर आपको इसके स्पेयर पार्ट्स इंजन का काम करना लोग मिलते हैं क्या? इन
इंजन के काम के लिए लोग मिलते, स्पेयर पार्ट्स के लिए नहीं मिलते, तो दिल्ली से या फिर केरला से या वहाँ से कोई गाड़ी डिसमेंटल होती तो उसी का खरीद लेना पड़ता था। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग की तरफ। अगर आप लोग बात करोगे कि भाई इस गाड़ी में क्या क्या खासियत है, देखो आज के ज़माने में जाके ये सब के सब ये क्रोम वाली चीज़ में आते हैं, उस टाइम पे ये गाड़ी के साथ ऑलरेडी आता था। एंड अगर आप लोग अभी भी देखोगे क्वालिटी, अभी तक रीपेंट कराया क्या इसको? एक ही बार रीपेंट कराया बिल्कुल ओरिजिनल जो कलर होता है, बहुत सेक्सी है। अगर आप लोग देखोगे फीएट मोटर स्पोर्ट भाई ने ये बैजिंग जो है इसके अंदर कराई हुई है। साइड प्रोफाइलिंग देखोगे, सबसे अच्छी चीज़ डोर हैंडल, जब आप लोगों के देखोगे तो फुल क्रोम आप लोगों को डोर हैंडल से, और साथ में ये प्रेस के साथ जो है आपकी ओपन होती है। तो विशाल एक बार आ जा भाई, डोर पकड़ के रखना है, ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आप लोग बात करते हो आपके साइड के गत्ते या फिर जिसको हम लोग साइड पैनल बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों को मैनुअल जो है आपका शीशे वाला ऑप्शन था, ये कैसे काम करता है? ये ऐसे ही काम करता है, बट थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गया पानी की वजह से थोड़ा। अच्छा, पानी की वजह से प्रॉब्लम है। और भाई देखो आज के टाइम पे पता नहीं कौन से सीट कवर्स आते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप लोग सीट कवर्स की कुशनिंग देखोगे तो मतलब जो कहते हैं ना कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं एंड वी आर ग्लाइडिंग एट द स्पीड ऑफ 80-90, तो वोला फील इसमें होता है। और ये तीन सीटर है, तो आकृति ने सबसे पहली बात क्या बोली थी? ये हम ले सकते हैं दिल्ली में, फिर तीनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी कि आगे कौन बैठेगा, हम तीनों बैठ सकते हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। कैसे मतलब कितने लोग सबसे ज्यादा मैक्स इसमें बैठ के चल सकते हैं? छह लोग बैठते हैं, बस बेस्ट है, और क्या चाहिए। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो मैं इसके अंदर बैठूंगा जरूर, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में, ठीक है। तो आई गेस ये इसका कोई पार्ट का था, डोर नॉब है, ये डोर नॉब है। तो भाई इनको तो बिल्कुल सोने की तरह संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर आपको स्पेयर्स का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ और मैं फिट तो आ ही गया हूँ इसके अंदर। इसमें सीट एडजस्टमेंट होता है क्या? नहीं, सीट एडजस्टमेंट। तो भाई सीट के अंदर मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। और स्टेयरिंग के बारे में अगर आप बात करोगे, मैंने जिप्सी चलाई हुई है सबसे, जो खतरनाक है, मैंने एम्बेसडर भी चला रखी है काफी। अच्छा, तो अगर उसके बारे में बात करते हो तो भाई फील बड़ी जबरदस्त है और मेरी आवाज इसके अंदर गूंज रही है पूरे बढ़िया तरीके से। जो भाई उस टाइम का क्लस्टर होता था, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वो भी आप लोग एक लुक वाइज देख लो। आप लोगों का पूरा जो हीटिंग वाला है या फ्यूल का है, जो आपका स्पीडोमीटर है, इसमें टॉप स्पीड जो 140 है, भाई ने बताया 90-100 तक जाती है, कोई कंपन अपन तो नहीं आती गाड़ी में, नहीं नहीं 900 तक बिल्कुल स्मूथ जाती है। तो और इसके साथ में अगर आप बात करोगे, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसमें तो एक नॉर्मल रूफ आपको मिलता होगा, नहीं भाई ये आप लोगों की उस टाइम की लेदराइट वाली रूफ होती थी, जिसमें आप लोग देख सकते हो आप लोगों को फुल स्टिचिंग हुई देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो हम लोग थोड़े सीट कवर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो हमें सीट कवर वाली चीज से ज्यादा अफेक्शन है, वो चीज भाई बिल्कुल है। और अगर आप हॉर्न की आवाज सुनना चाहो, कैसा है भाई? बढ़िया। चलो भाई, और ये आप लोगों का ग्लोव बॉक्स है आई गेस, ये ऐसे करके ऐसे खुलता होगा ना? हाँ, नीचे कर उसको, नीचे कर बाहर के पास। ओ भाई, तो भाई देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्या होता है सर? वो एसी का है, वो एसी का। तो एसी चलता है क्या? नहीं, एसी इसमें निकाल दिया है, एसी निकाल दे, क्योंकि एसी से थोड़ा ट्रिपिंग वाला देता है। भाई ठीक है, एसी भाई ने हटा रखा है, वाइपर्स आपने देख लिया। और एक चीज और मैं बताता हूँ, जो इसके अंदर बैठ के जो फील है ना, वो फील ऐसी आती है कि भाई मतलब ये शीशे ऐसे हाफ डाउन है, आपका हाथ थोड़ा सा बाहर है और आप ड्राइव कर रहे हो। भाई मतलब हैदराबाद का हमारे शूट सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन भाई अगर ये शूट मैं ना करके जाता तो मैं रिग्रेट करता, मुझे ऐसा लगता है। तो सोहिल भाई ने जो है हम लोगों को ये अवेलेबल कराया। मेरे अकॉर्डिंग मेरे ऐसे बंदे इसमें केवल दो ही बैठ सकते हैं, तो ठीक है मेरे ऐसे दो ही बैठ सकते हैं। आकृति एक बार बैठ के दिखा गाड़ी के अंदर, पीछे भी, पीछे पीछे, आगे आगे बैठेगी, पहले आगे बैठ के दिखा दे यार, क्या फील है? फील बहुत अच्छी है। और हेडरूम यार देख रहे, बंपर भी दिख रहे थी छोटी गाड़ी में, बंपर ये तो बोनट है, ठीक है। बोनट का जो लुक है आप लोगों को वो भी जो है इसमें क्लियरली दिखता है। बड़ी अच्छी गाड़ी है यार, मैं चला कुछ, लेकिन मेरे को आती नहीं है। आपको केवल जो है मैनुअल गाड़ी चला पाती है। विशाल एक बार बैठ के दिखा भाई, ठीक है भाई, देयर यू गो, सोफा है यार, सोफा है ना। मतलब आज के टाइम पे कोई गाड़ी कंपेयर कर सकता है इससे जिसमें इतनी कुछ नहीं आती हो? इवन अगर आप लोग वो इनोवा भी खरीद लो या मर्सिडीज भी खरीद लो, कंफर्टेबल तो आपको कोई गाड़ी में नहीं मिलता, ये नहीं मिल सकता ना। बहुत नाइस है भाई, ये देखना इसकी कुशनिंग, देखना। मैं वही कह रहा हूँ, कुशनिंग अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर हम लोगों ने वो नहीं लगाया मेमोरी फोम, कुछ भी नहीं लगा, ये बिल्कुल जो कंपनी से स्टॉक आता था वैसा ही है। सीट कवर चेंज करा, मतलब कवर ऊपर का, हाँ सीट कवर चेंज करा, कवर कराया, लेकिन कुशनिंग में कुछ नहीं कराना पड़ा। वेरी नाइस, चलते आइए पीछे की तरफ, चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पीछे की तरफ में आप में अगर फिर से मैं वही बोलूंगा, पुरानी जो हिंदी मूवीज होती थी उनमें पीछे का लुक ज्यादा दिखाया करते थे कि गाड़ी स्पीड से निकल रही है, कट मार रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, तो लुक एक बार आप लोग देख लो। और सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, जो रिस्टोर करते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना उसको, ज्यादा मॉडिफाई कर देते हैं। आपने इसको स्टॉक रखा, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ना, रिस्टोरेशन में
ठीक है, जो ग्लासेस आते थे वो सेफिक्स के हैं। देख लो भाई, ये उस टाइम पे सेफिक्स के ग्लासेस आया करते थे, एंड इवन आई गेस कॉन्टेसा में भी सेफिक्स के ग्लासेस आया करते थे, तो वही जो है इसमें लगाए गए। और अगर आप लोग पीछे के बम्पर के बारे में बात करोगे या पूरा नीचे की जो असेंबली अगर आप लोग देखोगे यार, बहुत अच्छा। और इसका बूट स्पेस एक बार जरा दिखाना चाहेंगे हम ऑडियंस को। अब मेरे को वैसे तो पता नहीं कितना लीटर था, लेकिन ओ माय गॉड। तो एक मूवी आई थी धमाल, धमाल में उसके पास कौन सी गाड़ी होती है? वो अलग, इसी मतलब यही ओल्ड उसमें होती है। उसका शेप थोड़ा पीछे से और पीछे वैसा होता है ना? ठीक है भाई, बीटल के जैसा होता है ना। तो आप लोगों का जो स्टेपनी वाला हो गया, आपका पूरा टूल किट हो गया, वो इसके अंदर आता है। तो भाई देखो, गाड़ी जो है दैट इज नेक्स्ट लेवल फीलिंग वाइज, मतलब इसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर इट कि हम लोग जो है गाड़ी को ड्राइव करें, और फिर जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, मेरे को पहले गाड़ी चलानी है, फिर बात करते हैं। तो भाई सोहेल भाई से सबसे पहले मैं सीख रहा हूँ कि सोहेल भाई गाड़ी चलानी कैसी है इनिशियल स्टेज में। तो सोहेल भाई थोड़ा सा मेरे को समझा दो, पहले आ जाओ इस तरफ ही आ जाओ, ठीक है? तो भाई जो शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आगे आके दिखाएंगे तो एक एक नॉलेज जो है वो हमारे तक पहुंच जाएगा, कैसे क्या करना है। पहले एसी को जो है सो इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन कर दिया, ये हीट वाला आ गया, ये हीट वाला इंडिकेटर आ गया, ठीक है। ये लाइट ऑफ होने के बाद आप सेल्फ मारना, ये लाइट ऑफ हो गई, ये चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया, बैटरी चार्ज हो गया, बैटरी चार्ज, गाड़ी हो चुकी है ऑन। अगर आप लोग इंजन की नॉइज सुन पा रहे होंगे, अब गियर का समझाओ मेरे को, ये ऐसे करके, ठीक है, ये आपकी तरह ये हो गया, तो इसमें अच्छा फर्स्ट गियर डालो, ठीक है, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये नीचे सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है, फिर आपके तरफ नीचे ये हो गया थर्ड, ठीक है, फिर ये न्यूट्रल, फिर नीचे ये हो गया फोर्थ। तो भाई थोड़ा सा मतलब चला के पता चलेगा, तो न्यूट्रल हर बारी न्यूट्रल करना है, तो आगे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ खींचना है तो फोर्स जाएगा। अच्छा, आपके तरफ खींच के ऊपर डालोगे तो फोर्स, ठीक है, नीचे खींच के आगे डालोगे तो डन है, डन है। तो न्यूट्रल कर दो इसको आप, न्यूट्रल, न्यूट्रल है। तो ये हमारा स्टेरिंग जो है ऐसे स्ट्रेट है, सुपर एक्साइटेड फॉर इट, सही है, खुला रहने दो, शीशा मजा आएगा ना, डन डन। तो भाई बाहर आकृति और विशाल भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्लच है, ये हमारा ब्रेक है, ठीक है, ठीक है। अब हमने पूरा पकड़ो, दबाया पूरा ऐसे ऐसे, नहीं नहीं नीचे, आपके तरफ खींचो इसको, ठीक है, ऊपर, ये आ गया फर्स्ट, ये फर्स्ट गियर है, चलिए अल्टीमेट आ रही है। अभी मैं सीख रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे से भी ओवरव्यू ले सकते हो। ब्रेक थोड़ा हल्का हल्का लगता है, ब्रेक हल्का हल्का लगा, मतलब ऐसा फील आ रहा है कि मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। और एकदम से बड़ा ट्रैफिक आ गया अपने पीछे ना, गाइस ट्रस्ट मी, अपने लाइफ की सबसे बेस्ट गाड़ी मैं चला रहा हूँ, एंड अगेन कॉन्टेसा, और इनमें से मतलब ये मेरा बहुत एक लाइफ का भी वो है कि मैं चाहता था कि भाई मैं ऐसी गाड़ी चला सकूँ, ठीक है। एंड स्टेयरिंग के बारे में अगर बात करोगे तो फील ही अलग है भाई, अब थर्ड गियर के लिए कैसे आगे थोड़ा फील बना रहा, पहले इसको न्यूट्रल करो, नीचे गियर हो गया, ठीक है, ये आ गया थर्ड, अच्छा थर्ड गियर में अभी आ गया। तो सबसे अच्छी बात है मैं गाड़ी बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं चला पा रहा हूँ। हाँ। ये सबसे इजी गाड़ी है, मैनुअल से भी इजी ये गाड़ी है। अच्छा,
थर्ड गियर के लिए थर्ड लग गया। तो भाई 60-70 की स्पीड में बहुत प्यार से, मतलब कहते हैं ना भाई, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल, पर कंफर्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है। आई गेस पीछे की सीट जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी इससे, क्योंकि ये भाई उस टाइम की ऐसे करके चलाई जाती थी, ज़्यादातर लोग जो है इसको ऐसे चलाया करते थे। भाई अब बारी है भाई की गाड़ी चलाने की। आतिश भाई पीछे बैठे, हमारे दूसरे भैया भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, दर्श भाई। ठीक है भाई, कम्फर्ट कैसा है भाई? एकदम ज़बरदस्त। चलो भाई, कैसे बोलते दिक्कत कर देते हैं, बता दो भाई। फर्स्ट गियर डल गया। तो भाई अब आप देखो कैसे भाई परफेक्शन के साथ चीज़ें चलाई जाती है। थर्ड गियर डल गया। थोड़ा ब्रेक्स इसमें हल्का हल्का लगता है ना, हल्का हल्का ब्रेक, हल्का हल्का मानो। वेरी बाइकिंग टेस्ट भी चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गाड़ी चलाई है भाई, हाउ वाज इट? बहुत बढ़िया था भाई। हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक नंबर भाई। मतलब ये लगा लो कि ये केवल मिलेनियम में मिलती है गाड़ी किसी को चलाने के लिए। हैं भाई, ऐसी गाड़ी दी नहीं जाती किसी को, ऐसी गाड़ी खुद चलाई जाती है। आपकू फंस गई है अंदर। सो अभी हम लोगों ने थंबनेल शूट किया, लिटरली हम लोग थक गए हैं। मोटापा ज्यादा बढ़ गया भाई। ठीक है, तो भाई सोहेल भाई के साथ, मतलब सोहेल भाई ने मेरा आज जाने वाला डे आई है और आज का दिन बना दिया भाई। सोहेल भाई थैंक यू फॉर दैट। और भाई की जो कलेक्शन है, अगेन अभी तो अपने पास टाइम बहुत कम है, और थैंक्स टू मेरे दोनों भाई जिन्होंने मेरे को सोहेल भाई से मिलवाया। ठीक है भाई, तो भाई लोग कहीं पर भी मिलते हैं। भाई की गाड़ी का है, बाइक तो है, गाड़ी तो बहुत आगे लगा रखा है, बाइक भी पहचान नहीं पाओगे। अभी नंबर प्लेट नहीं आया क्योंकि नई नई परचेज करी। पहले मेरे को ऐसा लगा कोई सुपर बाइक टाइप का आ गया, तो नेकेड लुक है ना। तो भाई थैंक्स अलॉट दोनों भाइयों को, और दिल से वाली बात है भाई, क्योंकि दोनों भाई जो होते हैं, जैसे ही मैं हैदराबाद पहुंचता हूं, सबसे पहली कॉल किसकी आई थी? आतिश भाई, साथ में भाई की भी आई थी। ठीक है ना, मतलब दोनों साथ के, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी है। ठीक है, सोहेल भाई के साथ इट वॉज सुपर फन, सुपर। सोहेल भाई मतलब कैसे बोलूँ, वर्ड्स नहीं है भाई, क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मेरे को पुरानी एम्बेसडर हो गई, पद्मिनी हो गई, कॉन्टेस्ट हो गई, ये मेरी अपनी ड्रीम है कि भाई मेरे पास भी एक गाड़ी ऐसी हो, चाहे वो मेरे घर के नीचे खड़ी रहे, चाहे मैं उसको 1 किलोमीटर चलाऊँ, लेकिन सुपर फन। थैंक्स अलॉट, थैंक यू।